दोस्तों अब हम लोग जो है माल रोड से हम लोग जा रहे हैं भीमताल के लिए। हमारी जो है कार बुक थी, अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे। तो फाइनली हम लोग जो है कार के अंदर बैठ चुके हैं और आगे का जो है आपको वीडियो दिखाते हैं। हम लोग जो है कार से माल रोड से निकल रहे हैं भीमताल के लिए, और ये जो है रास्ते में आपको जो वीडियो दिख रहा है, ये रास्ते का जो व्यू है, ये ये आपके सामने जो दिख रही ताल है, ये भीमताल के पास ही में पड़ता है। ये तीन ताल है, आगे आपको जो है जो जो भी रहेगा वो मैं सब आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी ये जो आपके सामने जो ताल दिख रहा है, ये जो है सेवन ताल है। यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा टूरिस्ट लोग आते थे। इधर जो है आपके इधर जो बैक साइड में दिख रहा है, ये तीन ताल है। देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है आपको, और बाकी ये जो बीच का रास्ता है, तीन ताल और सेवन ताल का जो है पूरा जो है व्यू दिखता है। तो जैसा मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको जो नेक्स्ट जो वीडियो मेरी आएगी वो भीमताल की रहेगी, तो वो भीमताल आ चुका है। और भीमताल के ये जो ऊपर की मार्केट है उसका सारा जो है पीछे का व्यू है, और बैक कैमरे से आपको जो है भीमताल के अंदर की पूरी वीडियो दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं हमारे जो दोस्त हैं वो लोग आगे जा रहे हैं, ठीक है। और अभी ये जो आपको दिख रहा है ये भीमताल है, और इसकी भी लंबाई अगर चौड़ाई की बात करूं तो बहुत ज़्यादा है, और इस तरीके से जो है आपको इसका पूरा व्यू दिखता है। वैसे यहाँ पर टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं घूमने के लिए, जैसे नैनीताल में आते हैं भीमताल ज़रूर आते हैं, क्योंकि अगर आप नैनीताल आएँ तो ज़रूर एक बार भीमताल ज़रूर आएँ, इंजॉय कर रहे हैं भीमताल में। यहाँ पे भी आपको ऊपर जो है जो पहाड़ है वहाँ पे भी होटल मिलेंगे। इस साइड भी जो आपको दिख रहे हैं सब, आपको होटल जो है दिखने को मिलेगा। भीमताल के अंदर एक चीज़ मैं वीडियो में बताना भूल गया था कि यहाँ पे जो भीमताल है, भीमताल के पास बीचों बीच में एक जो है टापू पड़ता है। टापू जैसे आपकी जो सामने ये वीडियो में दिख रहा है, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। इसके अंदर मार्केट है, पेड़ दो तीन पेड़ दिख रहे हैं, ये भी एक खास चीज़ है भीमताल के अंदर। यहाँ पे टापू है, अगर आप लोग कभी आएँ तो इसके अंदर आप ज़रूर जाएँ। और हम लोग वापस से जो है हम लोग अपनी कार की तरफ जा रहे हैं, यानी भीमताल का जो भी मैंने आपको वीडियो दिखाया था उसके बाद वहाँ से आप बैक ले रहे हैं, और फिर वही दोबारा से पुलिया से हम लोग जो है अपनी कार की तरफ जा रहे हैं, और इस तरीके से आपको जो है पूरा व्यू दिखता है। अगर कहा जाए तो यहाँ की अगर निजी काम बताऊँ तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे होटल और टूरिस्ट का ही ज़्यादा काम होता है। सभी लोगों के पास अपनी अपनी कारें होती है, जो टूरिस्ट लोग आते हैं उनको घुमाते हैं। और यहीं से जस्ट सामने हमारी जो है कार खड़ी है, हम लोग कार तक पहुँचेंगे। देखो ये झील ऐसी है, यहाँ पे तैरना जो है बिल्कुल मना है, और इस जो झील का नाम भी नहीं लिखा हुआ है। और वो जो सामने आपको जो नीचे दिख रही है वो झील है, यहाँ पे सिर्फ जो है अगल बगल लोग बैठ के जो है तफरी कर रहे हैं, मगर इस झील का नाम कोई बताया नहीं अभी तक। अगल बगल जो है बैठ के लोग तफरी कर रहे हैं, और ये पीछे से अगर कहा जाए तो ये एकदम जंगल टाइप का है, देख सकते हैं आप।
यही वो ताल है, या झील कहा जाए या ताल कहा जाए, यहाँ पे कोई आता नहीं है। वैसे बहुत कम ही लोग यहाँ पे आते हैं, इसकी गहराई किसी को पता नहीं है कहाँ तक है, क्योंकि इसमें ना कोई बोटिंग होती है ना कोई इसके अंदर आता है, बहुत कम ही लोग टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। और सामने से ये जो है पीछे का देख सकते हैं, ये पहाड़ है, और ये अगर कहा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत गहराई पे है, और आपको ये सब सारे जो है पीछे का जो है किले से व्यू लिया जा रहा है। अभी इस वक्त जो है हम लोग सेवन ताल के अंदर जो है खड़े हैं, और यहाँ पे ये जो बाहर का जो है इस तरीके से आपको जो है व्यू दिख रहा है। अभी अंदर हम लोग जाएंगे तो उसकी पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे। ये भी आपको भीमताल जब आप जाएंगे, ये भाई सेवन ताल ये बनी तो यहीं पे पड़ता है ये। अगर आप लोग कभी आएंगे तो यहाँ पे जरूर आएंगे। मैं आपको अंदर जब एंट्री करूंगा तो उसकी वीडियो जो है मैं आपको पूरी जरूर दिखाऊंगा। सात ताल के अंदर हम लोग एंट्री कर रहे हैं, और इसके अंदर आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे, खाने पीने के ठंडे गर्म आइटम दोनों मिलेंगे। और ये जो सामने से आपको जो है सात ताल का पूरा व्यू दिख रहा है, अंदर जैसे जैसे एंट्री करेंगे वो सब आपको इसके अंदर आपको दिखाई देगा। ये सात ताल है, और ये पीछे का जो है पूरा खाने पीने का जो टूरिस्ट लोग आते हैं ऐसा जो है दिखता है सात ताल। जैसे नैनीताल में जो ताल है बोत है, इसी तरीके से यहाँ पे भी जो है वो सब। और ये भी आपको जो है सात ताल में मिलेगा दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं ये रस्सियाँ होती है जिसके अंदर जो है लटक।